एक बार विवेकानंद बनारस में एक मंदिर से बाहर आ रहे थे, तो बाहर बैठे कुछ बंदरों ने विवेकानंद को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे विवेकानंद थोड़े घबरा गए और भागना शुरू कर दिया। तो जब वो भाग रहे थे तो बंदर उनके पीछे और पड़ गए, वो और भागने लगे, बंदर और पीछे भागने लगे। ये सब दृश्य एक मॉन्क बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। उन्होंने विवेकानंद को कहा, रुक जाओ और इन बंदरों का सामना करो। तो जैसे ही उस मॉन्क की बात सुनी, विवेकानंद वहीं रुक गए, पलटे और उन बंदरों का सामना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसका सामना किया तो बंदर धूम दबा के भाग गए। यहां पर विवेकानंद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा। उन्होंने ये सीखा कि जिंदगी में कभी विपत्तियां आए तो भागो मत, पलट के उनका सामना करो, तभी जिंदगी में आप परिपक्व हो पाओ। मैं आपसे सवाल पूछूं कि 90 की उम्र तक आप अपने आप को कहां देखते हो, तो शायद आप लोगों का जवाब यही होगा कि या तो चार पाई पे या चार कंधों पे। लेकिन पटियाला पंजाब की मान कौर जी ने अपना एथलेटिक करियर 93 साल की उम्र में शुरू किया। सुबह सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर दौड़ लगाना, और वो भी उस उम्र में, काबिले तारीफ था। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान को 100 मीटर रेस में, 200 मीटर रेस में, 400 मीटर रेस में और जेवलिन थ्रो में ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि गोल्ड मेडल तक जीत के दिए। और आज हम उन्हें चंडीगढ़ का चमत्कार भी कहते हैं, और आज वो फिट इंडिया कैंपेन से जुड़ी हुई भी हैं। अपने जज्बे से हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली मान कौर जी को मैं सलाम। अगर आप वाकई में जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हर सुबह उठ के ये 5 लाइनें अपने आप से जरूर कहें। नंबर 1, टुडे इज माय डे। नंबर 2, आई एम द बेस्ट। नंबर 3, आई कैन डू इट। नंबर 4, गॉड इज ऑलवेज विद मी। एंड नंबर 5, आई एम द चैंपियन। गाइज, एटीट्यूड बदलने से इंसान की जिंदगी अक्सर बदल जाया करती है। सो इसीलिए अपने दिन की शुरुआत इन 5 लाइनों से ही करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।